अरे खुदाई खुदाई ऐसी की तैसी खुदाई की, वैसे आप होती कौन है सवाल जवाब करने वाली? ये मेरा गांव है, मेरा गांव। ये सिर्फ आपका गांव नहीं, हमारे देश का गांव है। बतवा तो सही कह रहा था ना? सही कह रहा था। हाँ। पंखा कौन हिलाएगा? मुझे ना एक गांव मिला है। शहर के लोग नंगे नहाते का, तो कपड़े पहन के कैसे नहाऊंगे? गांव में जरा सी भी प्रॉब्लम हुई ना तो सीधे घर चली। मुझे यहाँ का विकास करना है। तुमसे विकास, प्रकाश, रोशनी, अंधेरा कुछ नहीं होने वाला है। लड़का छोटी जात का और लड़की बड़े जात की, दोनों ने शादी कर ली। फिर दोनों को जिंदा जला कर मार डाला। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ससुरा, ये शहर हमारे संस्कार खा गया। मेरा टॉयलेट तो आप खा गए। कुछ टॉयलेट वो वीडियो साहब खा गए, कुछ टॉयलेट वो पेपर बनाने वाला बाबू खा गया। सरिता तू भी खा ले, जो बचेगा उसका क्या करूं? आज बहुत प्यार आ रहा है। वो तो हमेशा ही प्यार आता है। मुझे लफ्जों में कह ना सकूं। पूरी की पूरी इज्जत खराब कर दी तुम्हारी बिटिया ने। गाँव वाले थूकेंगे हम पर। किस इज्जत की बात कर रहे हो आप लोग? मुखिया जी, कल से मैं गांव में बच्चों को पढ़ाऊंगा। लेकिन पढ़ाएंगे क्या आप? कविता का शीर्षक है दो बूंद। सुना सुना। मैं कविता शुरू करता हूँ। टुपुक टुपुक। अब आगे भी तो बोलो भाई। मास्टर जी, कविता खत्म हो गई। देखो बच्चों, अब आप सब लोगों को मन लगाकर पढ़ना है ताकि फिर से हमारा देश आर्यावर्त, हिंदुस्तान और भारत बन सके। शाम को चांद देवाई का डांस होगा। जाइए चांद देवाई को बुलाइए और ना तो ये कॉन्डम जिसको आप लोग गुब्बारा समझ रहे हैं, इससे जनसंख्या रुकेगी। ए, रुको, ये भगवान का प्रसाद है, इसे रोकना गलत है। जनसंख्या वृद्धि बंद करो, कंडोम लगाओ, बच्चा गिराओ। लेकिन क्यों भैया, क्यों? इसका फैसला पंचायत में होगा।